नमस्कार दोस्तों, वैसे तो हमने वनडे क्रिकेट में कई खिलाड़ियों को लंबे लंबे व बड़े बड़े छक्के लगाते हुए देखे हैं और कई खिलाड़ियों को हम यहाँ पर देख चुके हैं कि कितने आसानी से वो छक्के लगाते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले इस वीडियो में उन खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने वनडे में अब तक सबसे ज़्यादा छक्के जड़े हैं, यानी कि वनडे के इतिहास में अब तक सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की आज हम बात करने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि एक मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला खिलाड़ी कौन सा है। यह सब बताने से पहले, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर भारतीय टीम की तरफ से। तो भारतीय टीम के 4 खिलाड़ी इस टॉप 10 में आते हैं, जिसमें आते हैं सबसे पहले सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। इसके बाद इस समय भारतीय टीम में खेल रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा। ये 4 बल्लेबाज भारतीय टीम के टॉप 10 में शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि एक इनिंग्स में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के कप्तान इयन मॉर्गन के नाम है। उन्होंने विश्व कप में अफगानिस्तान के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 17 छक्के लगाए थे। मात्र 71 गेंद में 148 रन बना गए, जिसमें 17 छक्के शामिल थे और ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया था। इससे पहले ये रिकॉर्ड भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा और क्रिस गेल के नाम थे, जिन्होंने 16-16 छक्के लगाए थे रोहित और क्रिस गेल ने, जब इन्होंने दोहरे शतक लगाए थे। लेकिन अब ये रिकॉर्ड इयान मॉर्गन के नाम हो चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं टॉप 10 बल्लेबाजों की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें नंबर 9 और 10 की। तो 9 पर आते हैं सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने 463 मैचों में 18,426 रन बनाए, साथ ही जड़े 195 छक्के। वहीं पर 10 पर आते हैं सौरव गांगुली, जिन्होंने 311 मैचों में 11,363 रन बनाए और 190 छक्के लगाए हैं। वहीं पर इसके बाद बात करें नंबर 7 और 8 की। तो नंबर 7 पर मौजूद है डिविलियर्स, जिन्होंने 228 मैचों में 9,577 रनों के साथ 204 छक्के लगाए हैं। वहीं पर नंबर 8 पर मौजूद है ब्रेंडन मैकुलम, जिन्होंने 260 मैचों में 6,083 रन बनाए और 200 छक्के इन्होंने भी जमाए हैं। यानी कि दोनों शानदार बल्लेबाज हैं और दोनों काफ़ी छक्के लगाने के लिए जाने जाते थे। वहीं पर इसके बाद आते हैं नंबर 5 और 6। तो यहाँ पर 5 पर मौजूद है रोहित शर्मा, भारतीय टीम के, जिन्होंने 209 मैचों में 8,329 रन बनाए हैं और 224 छक्के जड़े हैं। वहीं पर 6 पर है इयान मॉर्गन, जिन्होंने 227 मैचों में 7,226 रन बनाए हैं और 211 छक्के जड़े हैं। सबसे ज़्यादा छक्का इन्होंने एक मैच में 17 लगाए हैं। वहीं पर रोहित शर्मा ने 16 लगाए हैं। दोनों काफ़ी आक्रामक बल्लेबाज हैं। वहीं पर इसके बाद बात करते हैं नंबर 3 और 4 की। तो नंबर 3 पर सनत जयसूर्या श्रीलंका के आते हैं, जिन्होंने 445 मैचों में 13,430 रन बनाए और 270 छक्के जड़े हैं। वहीं पर भारतीय टीम के फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने 344 मैचों में 10,562 रन बनाए हैं और 225 छक्के लगाए, जो कि भारतीय टीम की तरफ से सर्वाधिक छक्के हैं। रोहित शर्मा 224 इनके बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं। वहीं पर इसके बाद बात करें नंबर 1 और 2 की। तो नंबर 1 पर मौजूद है पाकिस्तान के साहिद अफरीदी, जिन्होंने 398 मैचों में 8,064 रन बनाए हैं और 351 छक्के जड़े हैं। वहीं पर दूसरे नंबर पर मौजूद है क्रिस गेल, जिन्होंने 294 मैचों में 10,258 रन बनाए हैं और 318 छक्के जड़े हैं। लेकिन क्रिस गेल भी अपना आखिरी मुकाबले यहाँ पर खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में। शायद अफरीदी का रिकॉर्ड ये ना तोड़ पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा इस रिकॉर्ड को जरूर तोड़ सकते हैं। हालांकि उन्हें अभी वक्त लगेगा, लेकिन वही एकमात्र ऐसे खिलाड़ी नज़र आ रहे हैं जो इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। आपको क्या लगता है, नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।